16 साल 21 साल में एज मानी जाएगी फॉर पर्पसेस ऑफ एजुकेशन, क्या दिक्कत है इसमें? तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। वो कहो कोई है आपका ऑफिसर यहाँ पे? बोला ये क्यों नहीं, ये लोग यहाँ बैठती क्यों नहीं थी? एजुकेशन वाले बैठे रहते। लिबरल है इसका मतलब ये नहीं कि वो टेक इट ग्रांटेड ना करें। हम कब पलट जाते हैं हमको खुद को मालूम नहीं रहता है। व्हेन द कोर्ट हैज टू वेट फॉर द ऑफिसर्स, इतने ज़्यादा हम अपनी इज्जत नहीं गिराएंगे। फिर आप साहब सब उनको बता दीजिए कि कल के सारे ऑफिसर अगर यहाँ ना बैठे तो देख लीजिए। बाय द एंड देन बाय द नोडल ऑफिसर हैज बीन अपॉइंटेड, दे आर एंजॉइंग पिकनिक के रखे, हमको 10-10 मिनट वेट करना पड़ रहा है। मुश्किल से तो केसेस लग रहे हैं लोगों को। मस्जिद का पिटिशनर वाज अपॉइंटेड एट डेमोस्ट्रेट नर्सिंग गवर्नमेंट ऑफ नर्सिंग कॉलेज अंबिकापुर फ्रॉम द ईयर ऑफ 2008 फॉर द रेगुलर एंड पोस्ट ऑफ द स्टाफ नर्स। It is issued of the respondent of the petitioner was appointed on a regular staff nurse basis. And we see an excerpt E1 Lordship. The petitioner has been submitting the representation before the director, directorate of the medical education department. An excerpt E1 page number 13. आपको क्या MSc की पढ़ाई करना है? नहीं कर चुके हैं पढ़ाई। हाँ। उसमें नो ऑब्जेक्शन चाहिए लॉर्डशिप। क्या? रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कर लिया गया है जिसके अनुसार मुझे शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय रायगढ़ में सीट आवंटित किया गया था जहां मुझे प्रवेश स्क्रूटनी करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की कृपा करेंगे। तो आपको क्यों करेंगे? रूल्स में जो कि एज के बारे में कुछ बताया नहीं गया है। और क्या है भाई एनेक्सर पी 8 रूल्स छत्तीसगढ़ राजपत्र। नर्सिंग स्टाफ के पत्र थे, हमें अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए। आप क्या कब क्या कर रहे हो? क्या नाम है आपका? श्रीमती लता देवांगन। हाँ, ये आपका ये P1 में पी टाइप ये इसमें नाम है क्या? P2 में आपका नाम है क्या? यस लॉर्ड सर। क्या ये इसमें पेज नंबर एनेक्सर P2 पेज नंबर 14 पे 18 नंबर पे हमारा नाम है। हाँ, लता देवांगन, ठीक है। उसके बाद एनेक्सर अनापत्ति प्रदान किया जाता है, ठीक है। आप एडमिशन काउंसलिंग में हो गए, फिर आपको एडमिशन मिल गया? नहीं मिला लॉर्ड सर। क्यों? नो ऑब्जेक्शन नहीं दिया गया है लॉर्ड सर। तो आप वो ये जो PG है नर्सिंग कोर्स में एडमिशन मिलते हो, वो कैसे एडमिशन मिलता है? वो नेट वगैरह से होता है कि नीट वगैरह से? ये पात्रता के तौर पे मिलता है लॉर्ड सर। केवल उसी अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने की पात्रता होगी जो रूल्स में लिखा हुआ है। रूल्स कौन सा है? रूल्स छत्तीसगढ़ राजपत्र 7/2019 का है, पेज नंबर 86 और P8 एनेक्सर P8। आप तो इन सर्विस कैंडिडेट हो? यस लॉर्ड सर। सर्विस कैंडिडेट को क्या प्रावधान दिया है इसमें बताइए? आगे की पढ़ाई करने के लिए हमें नो ऑब्जेक्शन चाहिए, वो मिला नहीं है लॉर्ड सर। तो एडमिशन आप पर एडमिशन मिल गया है? वो मिल गया एडमिशन, पर NOC नहीं मिला। तो NOC के लिए क्या कंडीशन रहती है? NOC के लिए ये कंडीशन रहती है कि अगर अधिकतम आयु बेसिक BSc नर्सिंग। कहाँ पढ़ रहे हो आप? कौन से डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हो? लॉर्ड सर पेज नंबर 86 पे रूल्स में पढ़ रहा हूँ। अच्छा। रेगुलर सेवारत अभ्यर्थियों के लिए लॉर्ड सर। ठीक। हाँ, आप BSc नर्सिंग हो गए? हम MSc कर रखे हैं। MSc करना चाहते हैं? अभी एडमिशन हुआ है आपको? यस लॉर्ड सर। 3 साल का कोर्स था PG तो अभी फिर, लेकिन इन्होंने फिर एक 31 मार्च का निकाला था, मैंने कवरिंग में वो फाइल किया लॉर्ड सर 15/4/2024 को कल ही किया था। कि उपरोक्त विषय कर संदर्भित पत्र में लिखे कि महाविद्यालय में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों के उच्च पाठ्यक्रम के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु 31 मार्च तक ही स्वीकार किए जाएंगे, अतः उक्त संबंध में 15 मार्च तक कार्यालय में आप अपना आवेदन प्रस्तुत करें। हमें नो ऑब्जेक्शन मिला ही नहीं है। क्यों नहीं दे रहे भाई स्टेट इनको नो ऑब्जेक्शन? क्या प्रॉब्लम आ रही है? हम बताइए, आप बेचारे का एडमिशन परीक्षा में PG तो करने को, और देखिए पेज नंबर 88 पड़ी है, सेवारत अभ्यर्थियों के लिए पात्रता नियम 4A और 4B में निम्नलिखित शर्त होते हुए केवल वे सेवारत अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे जिन्होंने परीक्षा वर्ष के 30 अप्रैल को नियमित कर्मचारी के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है। आपकी नौकरी कब की ज्वाइनिंग है? 2008 की लॉर्ड सर। 2008 की रेगुलर पोस्ट में। रेगुलर पोस्टिंग लॉर्ड सर। पहला क्राइटेरिया पूरा हो गया? कोई विभागीय जांच नहीं? नो लॉर्ड सर। नो कोई नहीं है तो भी पूरा हो गया।
अब तीसरा, यदि किसी सेवारत अभ्यर्थी को पूर्व में किसी पाठ्यक्रम में सेवारत अभ्यर्थी के रूप में प्रवेश दिया गया है तो पूर्ववर्ती वर्षों में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे। कभी लिए थे क्या एडमिशन पहले? श्योर? नो लॉर्डशिप, कुछ नहीं किया श्योर? आवेदन नहीं, पहले कहीं कहीं किसी कोर्स में एडमिशन लिए थे क्या? नहीं उस समय। हम कंटिन्यू रेगुलर पोस्ट पे काम कर रहे थे, बट एमएससी की एग्जाम के लिए नहीं, हमारी कोई 47 ईयर्स एज हुई अरे थी। पहले कभी और कोई नौकरी के लिए, नया कोर्स के लिए, पढ़ाई के लिए अप्लाई किया था क्या? नया अप्लाई किए थे वो उसका। चलिए नेक्स्ट। और अनुमति प्राप्त करनी पड़ेगी। अनुमति होने पर तो बिना अनुमति के, आपको अनुमति तो एक बार दे चुका था वो काउंसलिंग के लिए, फिर क्यों अनुमति की जरूरत पड़ेगी? हमें एनएसपी थ्री में लॉर्डशिप, एमएससी नर्सिंग प्रशिक्षण है तो अध्ययन के प्रशिक्षण की आवश्यकता है, परंतु शासन ने निर्धारित आयु 45 वर्ष सीमा कर दी गई है, जिसके कारण हम उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अपात्र हो गए हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, P3। P3 पेज नंबर 17 लॉर्डशिप। अरे ये तो आपका रिप्रेजेंटेशन है भाई, और ये तो गलत है। ये तो शासन ने कहा किया है, ये तो कुछ भी मन से लिख रहे हो भाई। अरे कौन है आप? यहाँ पे डायरेक्टर मेडिकल का कोई है क्या आदमी? मिस्टर कैरी कोई है मेडिकल सर्विसेज एजुकेशन के? बुलाइए उसको। ये तो जबरदस्ती का नाटक है। उसके बाद भी एक और अरे पोस्ट। वर्मा जी, केस तो ढंग से बनाओ। आप गवर्नमेंट टीचर, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, आपको ये सब 45 साल की एज लगेगी नहीं? ये इसमें तो ऐसे कोई रूल्स में उनके लिए एज लिमिट का लिमिट है क्या? तो नहीं हेलो सर, फिर वो आप अपने आवेदन में कुछ भी लिख रहे हो? वो जनरल जनरल अरे भाई कैटेगरी सेवारत कर्मचारियों के लिए तो अलग हो गया ना वो तो। सर्विस कितनी साल की नौकरी होगी इनकी? 2008 से दो हजार लेकर आठ से आठ आज तक हो गया 24, 16 साल हो गए ना। 16 साल। अभी एज क्या है आपकी क्लाइंट की? 47। अभी 47 है लोड। 47 में से जितनी सर्विस की गई वो तो कम हो जाती है। 47 से हो गया 16 साल, 31 साल में एज मानी जाएगी फॉर पर्पसेस ऑफ एजुकेशन। क्या दिक्कत है इसमें? तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। आई डोंट थिंक देर शुड बी एनी प्रॉब्लम। शी हैज ऑलरेडी ऑब्टेन एनओसी वेल वेल अप्लाई फॉर काउंसलिंग देयर आफ्टर, ये एंड द रूल्स आर वेरी क्लियर। बताइए इसको, अभी बताइए इसको, कल खत्म करेंगे आज। वो कोई है आपका ऑफिसर यहाँ पे? बुलाइए। नहीं क्यों नहीं ये लोग यहाँ बैठती क्यों नहीं थी? एजुकेशन वाली बैठे रहते। लिबरल है, इसका मतलब ये नहीं कि वो टेक इट ग्रांटेड ना करें। हम कब पलट जाते हैं हमको खुद को मालूम नहीं रहता है। आई विल आस्क योर सेक्रेटरी टू रिमेन प्रेजेंट। कुछ नहीं, अब नहीं, मेडिकल का बहुत हो गया था उससे। व्हेन द कोर्ट हैज टू वेट फॉर द ऑफिसर्स, इतने ज्यादा हम अपनी इज्जत नहीं गिराएंगे फिर। आप साफ साफ उनको बता दीजिए कि कल के सारे ऑफिसर अगर यहाँ ना बैठे तो देख लीजिए। लिखो भाई, कॉपी टू द चीफ, टू द चीफ सेक्रेटरी, दिस कोर्ट हैज सजेस्टेड दैट द नोडल ऑफिसर शैल बी रिमेन प्रेजेंट इन द कोर्ट कैंपस और विद इन द वेसिनिटी ऑफ द कोर्ट, बट इट्स फाउंड दैट द ऑफिसर्स आर नॉट अवेलेबल एंड द कोर्ट हैज टू वेट फॉर देयर कमिंग्स। दिस डज नॉट लुक नाइस एंड इट विल अमाउंट टू इंटरफियर इन द जुडिशियल फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑल्सो। इट इज डायरेक्टेड दैट द चीफ सेक्रेटरी शैल इशू अप्रोप्रिएट डायरेक्शन टू द ऑल द नोडल ऑफिसर्स इन द कंसर्निंग डिपार्टमेंट टू बी रिमेन प्रेजेंट विद नियर द कोर्ट सो दैट एनी इंफॉर्मेशन इज सॉट कैन बी मेड अवेलेबल। कौन है आपका नोडल ऑफिसर यहाँ पे? मिस्टर गेरी, व्हाई द देन व्हाई द नोडल ऑफिसर हैज बीन अपॉइंटेड? दे आर एंजॉयिंग पिकनिक। विल इशू सस्पेंशन ऑर्डर, विल आस्क लेट द सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन टेक एप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट दिस पर्सन व्हाई ही इज नॉट प्रेजेंट बिफोर दिस कोर्ट। Why representative will the who is the nodal officer appointed under the government? Then why is not present before this court? Copy to the secretary medical education to look into the matter and pass appropriate direction.
समोसा बना के रखे, हमको 10 10 मिनट वेट करना पड़ रहा है, मुश्किल से तो केसेस लग रहे हैं लोगों के। इमीडिएट डायरेक्शन देंगे केसेस का काम हो जाएगा। अब बेचारी का 22 का एडमिशन है, अभी तक उसको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला है, मिला अब अगले साल कैसे मिलेगा एडमिशन, नए साल में कैसे मिलेगा? किसी का करियर बर्बाद करना है तो ये गवर्नमेंट ऑफिसर को बोल दो, अभी इनका प्रमोशन होता है तो चीख चीख के दौड़ की कोर्ट में आ जाते हैं। भर्राशाही हो गई है। कॉपी टू द चीफ सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी टू मेडिकल एजुकेशन टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द नोडल ऑफिसर हु आर नॉट प्रेजेंट बिफोर दिस कोर्ट एंड देन कैन देन फाइल एफिडेविट व्हाट एक्शन ही हैज टेकन। भाषा बना सकते हैं, बुलाइए और सस्पेंशन ऑर्डर की कॉपी टाइप करो, इस कॉपी